सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइंस ओपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे मैटर एंड सराउंडिंग्स पार्ट 5 के बारे में। आज की क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट 4 तक इसके सभी टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। अगर आपने वीडियोस वो नहीं देखी हैं तो लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आई बटन में भी आपको मिल जाएंगे, आप जाकर देख लेना। लेकिन इससे पहले हम आज की क्लास शुरू करें, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारी चीज़ें फ्री हैं, आप कर लीजिए ताकि आपको लगातार मेरी वीडियोज़ का पता चलता रहे कि मेरी वीडियोज़ आई है या मेरी नई वीडियो आई है। तो चलिए अब आज की क्लास की बात करते हैं। क्लास की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी की किताब में और जेएनके बोर्ड की किताब में सेम है, तो दोनों बोर्ड्स के बच्चे इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इंटू सेल्सियस स्केल। इन टेम्परेचर्स को हमने सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो जब मैंने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आपको पढ़ाया था, मैंने वहाँ बताया था कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, एक स्केल से कैसे हम दूसरे स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी होगी जाकर आप देख लेना। तो कैसे करते हैं, हमने केल्विन को सेल्सियस में करना है तो क्या करेंगे, हम केल्विन का जो टेम्परेचर है उसमें से -273 कर देंगे। 273.16 एग्जैक्ट होता है लेकिन 1.16 को हम नेग्लेक्ट करते हैं तो हम 273 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देख लो सेल्सियस टेम्परेचर कितना होता है, केल्विन -273। तो यहाँ पर केल्विन में दिया हुआ 300 के, तो हमारे सेल्सियस में कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। 273 को माइनस कर दिया तो आया 27 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह दूसरा पार्ट है 573 केल्विन, तो माइनस किया 273 तो आया 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पर हमारे पास सेल्सियस में दिया हुआ है, हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में करने के लिए क्या करना है, उसका उल्टा करना है। हम यहाँ माइनस करते थे केल्विन में से 273, हमने यहाँ सेल्सियस में प्लस करना है 273। हमको केल्विन निकालने के लिए सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसमें प्लस करना है कितना, 273। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस है प्लस 273 कर दिया तो कितना हुआ, 298 केल्विन। दूसरा पार्ट हमारे पास है 373 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर दिया तो हो गया 646 केल्विन। ठीक है, हो गया क्वेश्चन ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन है, एक यहाँ मैंने लिखी एक बाद में लिखता हूँ। नेप्थ्रीन बॉल्स डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड रेजिड्यू। कहता नेप्थ्रीन बॉल्स जो हैं ये बिना कोई सॉलिड रेजिड्यू छोड़े अगर हम उनको एक्सपोज रखेंगे तो ये डिसअपेयर हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, तो मैंने जब टर्म्स पढ़ाई थी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने इस चैप्टर की पढ़ाई थी, मैंने वहाँ एक टर्म पढ़ाई थी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इंटू इट्स वेपर, डायरेक्टली इंटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। जब भी कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उसके वेपर्स में कन्वर्ट होता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और मैंने वहाँ एग्जांपल में ये नेप्थलीन भी बताया था कि नेप्थलीन जो है ये सब्लिमेशन करता है, यानी ये सब्लिमेट हो जाता है, इसमें सब्लिमेशन होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स जब हम एक्सपोज रखते हैं हवा में इसको तो बहुत जल्दी एक दूसरे से दूर भागते हैं और ये गैस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसके बॉल डिसअपेयर हो जाते हैं विदाउट एनी सॉलिड रेजिड्यू, क्योंकि जब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वेपर्स जो हैं हवा में डिसअपेयर हो जाएंगे। तो आंसर है हमारे पास नेप्थ्लीन बॉल अंडरगोज सब्लिमेशन, नेप्थ्लीन बॉल्स जो हैं इनमें सब्लिमेशन होती है, दैट इज चेंजेस इट चेंजेस डायरेक्टली इंटू गैस विदाउट मेल्टिंग इंटू लिक्विड स्टेट। इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंजिंग इंटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में नहीं आता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। सो नेप्थ्लीन बॉल्स फॉर्म वेपर्स विच डिसअपेयर इंटू एयर विदाउट लिविंग एनी सॉलिड वेस्ट, या हम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस वजह से क्योंकि ये सब्लिमेशन करता है तो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स बनते हैं, सॉलिड से कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं आती है तो कुछ भी रेजिड्यू हमारे पास सॉलिड रेजिड्यू कुछ नहीं बचता है क्योंकि वेपर्स जो हैं हवा में डिसअपेयर हो जाते हैं। ये है पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट की बात करता हूँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम परफ्यूम की स्मेल हमको आती है अगर हम बहुत दूर भी बैठे हैं, अगर किसी इंसान ने परफ्यूम लगाई है अगर हम उससे बहुत मीटर्स की दूरी पर बैठे हैं फिर भी स्मेल आएगी। क्यों, मैंने बताया था कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं, तो ये जब हवा में आएंगे परफ्यूम के पार्टिकल्स तो वो कंटिन्यूसली हवा के साथ मूव करेंगे तो क्या होगा, वो हम तक पहुंचेंगे। ठीक है, वो हम तक पहुंचेंगे जिससे हमको स्मेल आएगी। आंसर क्या है, वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ परफ्यूम इन एयर। हम लोगों को
वो परफ्यूम की स्मेल आएगी ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ परफ्यूम इन एयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर शुगर एंड ऑक्सीजन। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने डालना है यहाँ पर इनको। तो मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने प्रॉपर्टीज़ की बात की थी इनकी, तो मैंने बताया था कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है क्योंकि वो बहुत दूर दूर होते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है और मॉलिक्यूलर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है। उसके बाद मैंने बताया था कि लिक्विड्स जो हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े नज़दीक होते हैं। तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा वाटर, लिक्विड है, उसके बाद लास्ट में रहेगा सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, कम्पैक्ट होते हैं, जिससे वो डेफिनेट शेप में रहते हैं सॉलिड्स। ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो लास्ट में रहेगा शुगर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने कुछ किताबें कंसल्ट की, लगभग 3-4 किताबें कंसल्ट की, तो कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड है, 0 डिग्री पे सॉलिड है और 100 डिग्री पे गैस है, लेकिन कम्प्लीटली ऐसा नहीं होता है। 25 डिग्री पे एज लिक्विड रहेगा वाटर क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, तो 25 डिग्री जो है ज़्यादा है तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। उसके बाद 0 डिग्री जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हम कहेंगे, आइस का मेल्टिंग पॉइंट हम कहेंगे 0 डिग्री है, लेकिन 0 डिग्री पे पूरी आइस जो है वो वाटर में तब्दील नहीं, जब 0 से ऊपर आ जाएगा टेम्परेचर तो सारी आइस हो जाएगी लिक्विड, लेकिन 0 डिग्री पे ये ट्रांजिशन स्टेट में होता है। 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट भी है और मेल्टिंग पॉइंट भी है, यानी 0 डिग्री से जब नीचे टेम्परेचर चला जाएगा 1 डिग्री तो पानी जम जाएगा, आइस बन जाएगी। 0 डिग्री पे ट्रांजिशन स्टेट में होता है लिक्विड और सॉलिड में, मैंने लिखा ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करती है एज आइस एंड वाटर। उसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा वाटर जो है वेपर्स में तब्दील नहीं हो जाता है, वहाँ पर वेपर्स जो है बनना शुरू हो जाता है, यानी कि वहाँ पर बॉयल पानी होना शुरू हो जाता है। तो पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में भी होता है और स्टीम की स्टेट में भी होता है, तो यहाँ भी ट्रांजिशन है, पानी लिक्विड स्टेट में भी है और गैसियस स्टेट में भी है, तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन स्टेट लिखी हुई है एज वाटर एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। फिलहाल अभी के लिए अलविदा, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।